आज हम पहले एक मैं आपको एक इम्पोर्टेंट एक ऑपरेटर जो हमने अभी तक नहीं किया था वो उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। सपोज वी हैव ए बी एंड मैक्स, सो मैं ए में डालता हूँ, सपोज ए इज कॉल्ड 10, बी इज कॉल्ड 20। ठीक है, मैं यूजर से ले लेना चाहता था लेकिन मैं फिलहाल ऐसे इसको, हमने एक सिंपल प्रोग्राम इससे पहले भी किया था, हम कर रहे थे इफ ऐसे, इफ ए ग्रेटर देन बी, फिर हम मैक्स में डाल रहे थे, सपोज मैक्स इक्वल टू एल्स, एल्स हम करते थे मैक्स इक्वल टू, एक सिंपल सा प्रोग्राम। मेरे पास दो वैल्यूज है, ए और बी, ए और बी के वैल्यूज है, हालांकि मैंने इनको यहीं से दे दिया लेकिन बाय डिफॉल्ट सपोज हम ये यूजर से ले रहे हैं, मैंने इनको यहीं से दे दिया थोड़ा सा शॉर्टकट करने के लिए, कि अगर हम चेक कर रहे हैं इफ ए ग्रेटर देन बी है तो फिर क्या करो, मैक्स में मैक्सिमम में डालो ए, ठीक है, एल्स नहीं तो मैक्सिमम में डालो, या यहाँ पर हम प्रिंट करा सकते हैं, सपोज मैं यहाँ पर प्रिंट एफ करूँ, ए इज ग्रेटर, यहाँ पर मैं प्रिंट अप कर सकता हूँ ऐसे ही, बीस, ठीक है, तो ये तो चीज हम पहले ही करते आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, अगर हम ये प्रिंट अप को फिलहाल इग्नोर भी कर लें, प्रिंट अप के बगैर मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा, फिर एक और, फिर ये स्टेटमेंट, फिर ये स्टेटमेंट, फिर एरर स्टेटमेंट, एक सिंपल सी चीज चेक करने के लिए मुझे चार पांच, इनफैक्ट पांच छः सात स्टेटमेंट्स मुझे लिखने पड़े, ये इफ स्टेटमेंट, फिर इस इफ में अपना पार्ट, फिर एल्स स्टेटमेंट, फिर एल्स में अपना पार्ट। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, मेरे पास एक और भी चीज है जिससे मैं ये कर सकता हूँ, और जो इसका एक शॉर्टकट है, ठीक है, शॉर्टकट और काफी यूजफुल भी है, ऐसे बहुत सारी जगहों में काफी यूजफुल भी होता है। उस ऑपरेटर को एक्सेल में हम बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर, तो कैसे काम करता मैं आपको बता दूं, सपोज मैक्स इज इक्वल, मैं लिखूंगा ए ग्रेटर देन बी, ए बी, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा ए, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं असल में, यहाँ पर हम मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक टर्नरी ऑपरेटर है, ठीक है, अब इसके इसमें क्या होते हैं, पहली ये जो चीज़ है ये इसको मैं सपोज ऐसे रखूँ, ये इसकी एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन है ए ग्रेटर देन बी, तो अगर ए ग्रेटर देन बी हो गया या अगर ये ट्रू आ गया तो ये क्या करता है, इसके बाद, इसके बाद हम ये क्वेश्चन मार्क डालते हैं सिर्फ, ए इज टू बी, दो वैल्यूज हम लिखते हैं ट्रू या फॉल्स, इसका मतलब मैक्स में क्या जाएगा, मैक्स में जाएगा पहले ये एक्सप्रेशन जो है इवॉल्वेट होगी, ये एक्सप्रेशन जो ही इवॉल्वेट हो गई, सपोज ए ग्रेटर देन बी, अगर ये ट्रू आ गई तो मैंने यहाँ पे लिखा पहले ए, इसका मतलब मैक्स में जाएगा ए, अगर ये फॉल्स आ गई तो मैक्स में जाएगा बी, ठीक है, तो सिंपल जो मैंने अभी चार पांच स्टेप्स लिखे थे उनके बजाय मैं ये एक ही लिख सकता हूँ, सपोज मैं प्रिंट एफ करूंगा, मैं देखूंगा कि मैक्स में क्या वैल्यू है, मैक्स इज इक्वल परसन डी मैक्स, ठीक है, अगर मैं मैक्सिमम में देखूं ए चला गया कि बी, हालांकि हमें यहाँ पे बी जाना चाहिए क्योंकि बी ग्रेटर है, ठीक है, तो हम इसको एक बार एग्जीक्यूट करेंगे तो मुझे मैक्स में आ गया यहाँ पे 20, इसका मतलब मैक्सिमम 20 आ गया, ठीक है, अब अगर मैं ए को सपोज 40 दे देता हूँ, ठीक है, और इसको एक बार फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ तो मैक्स में चला गया 40, ठीक है, तो इसके काम करने का क्या सिस्टम है, यहाँ पर ये देखना है टर्नरी ऑपरेटर का, मैं यहाँ पर इसको ऐसे बता दूं, टर्नरी ऑपरेटर में हम पहले लिखते हैं एक्सप्रेशन, ठीक है, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, फिर हम लिखते हैं अगर ये एक्सप्रेशन जो है अगर इसका वैल्यू ट्रू आया तो ट्रू पे क्या देना है, सपोज ट्रू पे क्या वैल्यू देना है, ट्रू पे वैल्यू क्या होना चाहिए, ठीक है, फिर कोलन देते हैं, फिर उसके बाद देते हैं अगर फॉल्स आ गया तो फॉल्स पे हमें क्या वैल्यू देना है, ठीक है,
अब यहाँ पे इसको देखो, पहले मैंने एक्सप्रेशन लिखा, एक्सप्रेशन है मेरे पास ए ग्रेटर देन बी, क्या ए ग्रेटर देन, मैं मुझे यहाँ पे ना इफ इफ लिखना पड़ता है ना कुछ, ये खुद ही चेक करता है ए ग्रेटर देन बी, तो या ए ग्रेटर देन बी होगा या लेस देन बी होगा, ठीक है दो ही हो सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास। तो अगर ये ए ग्रेटर देन बी है ठीक है, तो इसके बाद क्या हो जाता है, या तो इसका वैल्यू ट्रू आएगा या फॉल्स। अगर इसका ट्रू वैल्यू आया तो मुझे पहला ऑप्शन, पहले ऑप्शन में डालना, क्या डालना है, मैंने यहाँ पे पहले ऑप्शन में डाला ए, इसका मतलब मैक्सिमम में फिर जाएगा ए का वैल्यू, ठीक है मुझे यहाँ पे वही काम करना है, मैं ग्रेटर देन टू नंबर देख रहा हूँ। अगर ये फॉल्स आया फिर मैंने इज टू लिखा, ठीक है यानी ये कोलन यहाँ पे यूज किया, अगर इसका वैल्यू फॉल्स आया तो फॉल्स के बजाय दे दो इसको बी वैल्यू, ठीक है तो या तो इस एम एक्स में ए चला जाएगा या बी चला जाएगा, ठीक है इन दो में से एक वैल्यू, लेकिन वो वैल्यू कौन डिफाइन करेगा, वो वैल्यू डिफाइन करेगा ये एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन में हमें क्या ऑप्शन मिलेगी, जो इसमें ऑप्शन यह है ये ट्रू अगर आ गया तो पहला वैल्यू चला जाएगा, और अगर फॉल्स आ गया तो दूसरा वैल्यू हमें इसमें चला जाएगा। ये था बेसिक एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन हमें एक ऑप्शन है जिसे हम इफ एल्स वगैरह के बहुत सारे कॉम्प्लेक्स पार्ट या दो चार पांच छह लाइनें लिखने के बजाय हम एक सिंपल लाइन लिख सकते हैं।